आमदार सतीश चौहान साहब, संजय सरसार साहब, औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एडिशनल पुलिस कमिश्नर सुनील चौहान साहब, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कमलेश दूत साहब, राम भोगले साहब, यहाँ पर मौजूद तमाम डॉक्टर्स, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स, सबसे पहले तो हम सब की तरफ से हम आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे संकट के वक्त में आप लोग खड़े रहे और जितना आप लोगों से हो सकता है उतना किए हैं उसके लिए। वेरी बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ये सभी लोग जानते हैं कि बहुत मुश्किलों की घड़ी से हम लोग बाहर निकले हैं। पिछला एक डेढ़ साल कैसा निकला है ये सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे, और इस दौरान लोक प्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, हम लोगों ने अपने तौर के ऊपर कोशिशें की कि किस तरह से जो गरीब लोग हैं, जो परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को कैसा दूर कर सके। जहां मैं इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तमाम बॉडीज का धन्यवाद करता हूं, उनका थैंक्स अदा करता हूं, साथ ही साथ ये बहुत हमारी नाइंसाफी होगी कि अगर ऐसे मौके के ऊपर घाटी हॉस्पिटल के अंदर अगर ये कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ के क्लास 4 से लेके क्लास 1 जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना, चाहे वो डॉक्टर भट्टाचार्य मैडम हो या ज्योति बजाज मैडम हो। मैडम, मैं नहीं समझता हूँ कि जो काम आप लोगों ने, सुधीर चौधरी साहब, आपकी टीम और जितने भी लोग हैं, जो काम आप लोगों ने पिछले एक डेढ़ साल से किया है, वो शब्दों के अंदर उसका हम धन्यवाद कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आज इतनी जाने बची है आप लोगों की मेहनत की वजह से। और सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, चाहे वो क्लास 3 हो, क्लास 4 हो, सभी लोगों ने जो मेहनत की है उसी का नतीजा ये हुआ है। आगे जिस तरह चौहान साहब ने बताया है, कलेक्टर साहब ने, कि एक मुश्किल की घड़ी खत्म हो चुकी है, अब हम सब हाथ में हाथ मिलाकर किस तरह से हम औरंगाबाद को विकास की ओर ले जा सकते हैं, जो जो प्लान्स उन्होंने बताए थे वो सभी मेरे हिसाब से डेवलपमेंट के नज़रिए से अगर देखा जाए, चाहे वो शिरडी का मसला हो या औरंगाबाद में पानी का मसला, ये बहुत अहम मुद्दे हैं जिसको हम पूरी तरह से आपका सहयोग देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये कामों को हम पूरा कर सके। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को जब भी आपसे मांगा गया आप लोगों ने दिया है, लेकिन एक बात, ये इंडस्ट्री इस जमीन के ऊपर, अगर आप लोग अगर यहाँ पर है, यहाँ पर इस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ का लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनंती है कि आपका CSR फंड भी इसी जमीन के ऊपर खर्च होना चाहिए। हमें पता चला कि हरमन कंपनी ने अमरावती के अंदर एक बड़ा प्लांट लगाया, महज इसलिए कि वहां के एक मंत्री ने उनसे कहा कि आप ये प्लांट लगा दो। हमारे पालक मंत्री आदरणीय सुभाष देसाई साहब बहुत सच्चन स्वभाव के हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो नहीं कहेंगे तो यहां पर नहीं लगेगा। आपने जितना भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का एक्टिव पार्टिसिपेशन इस जिले के विकास के लिए बहुत जरूरी है। कमलेश दूत साहब एक यंग है, डायनामिक है, और हमें बड़ी उम्मीदें हैं उनके साथ कि वो इस विकास के कार्यक्रम में हमारा साथ देंगे। चौहान साहब ने बहुत सारी बातें कही और इशारों में मुझसे कहा, चौहान साहब हाँ हमारे मतभेद हुए हैं, कुछ नाराजगियां हुई है, लेकिन मंजिल आपकी भी वही थी, मंजिल मेरी भी वही थी। हम सभी मिलकर चाहते थे कि जिले के अंदर कोई परेशान ना रहे, कहीं कुछ फैसलों से हम राजी नहीं थे और कुछ हमारी राय से आप तैयार नहीं थे, लेकिन अल्टीमेटली हम सभी लोग इस जिले के विकास के लिए हम काम कर रहे थे। आपने जाते जाते एक शेर कहा मेरे लिए, शायरी थोड़ी बहुत मुझे भी आती है। कुछ दिन पहले कुछ दुकानदारों के सील को खोलने के मामले में उस पर पुलिस केस किया गया है, FIR रजिस्टर किया गया है, बड़े बड़े खलम लगाए गए हैं इसमें। उसके ताल्लुक से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा,
जुल्म के सारे हुनर हम पर ही आजमाए गए, जुल्म भी हमने सहा और जालिम भी हम ही कहलाए गए। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह हम लोग हाथ से हाथ मिलाकर दुआ करें कि कोरोना अब खत्म हो जाए और औरंगाबाद विकास की गंगा यहां से बहती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।